नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, बाल मनोविज्ञान में अगला पार्ट जो है विकास की अवस्थाएं हैं, ये एक पार्ट है, ठीक है। इस पार्ट से लगभग एक से दो क्वेश्चन, कितना, एक से दो क्वेश्चन बाल मनोविज्ञान में आता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। विकास की अवस्थाओं में देखिए, पहले हम लोग पढ़ेंगे शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर जाके किशोरावस्था, ठीक है। तो शैशवावस्था की उम्र जो होती है 0 से 6 वर्ष तक होती है, ठीक है। अब इसके महत्वपूर्ण कुछ नाम हैं कि शैशवावस्था को क्या कहा जाता है। तो देखिए, समायोजन की अवस्था, खिलौनों की उम्र, सीखने का आदर्श या अनोखा काल और टॉयलेट प्रशिक्षण की उम्र, ठीक है। तो इसमें आपको इस नाम को देखिए कैसे सोचना है, आपको ले लेना है कि अपने घर के बगल या आपके घर में किसी का भी जो लड़का हो 6 साल से कम का, ठीक है, उसके बारे में सोचिए। लड़का पैदा होता है तो वातावरण में समायोजन करने की कोशिश करता है, इसलिए इसे समायोजन की अवस्था कहते हैं। और 0 से 6 साल का लड़का जो है, नहीं आता था खिलौना, उसमें बच्चा पानी भरता है, नल छोटा सा आता है, पानी भर के उसको ऐसे ऐसे चलाता है, ठीक है। तो खिलौना कब, खिलौना 6 वर्ष का मतलब है कि कक्षा एक में वो पढ़ने जाने लगा, कक्षा एक में पढ़ने जाने लगा। तो कक्षा एक में जब पढ़ने जाने लगता है, उससे पहले के लड़के को खिलौना बहुत पसंद होता है। और सीखने का आदर्श काल या अनोखा काल भी शैशवावस्था है। कुछ भी सीखना हो, जैसे मान लीजिए कोई आपका उनका बड़ा भाई छोटा भाई खेल रहा होता है, तो बच्चा क्या करता है, बच्चा भी उनके साथ खेलने की कोशिश करता है, भले गिर जाता है तो क्या, सीखने की कोशिश करता है। तो इसे सीखने का आदर्श या अनोखा काल भी कहा गया है। जैसे बाबा के पास बैठा रहेगा तो बाबा ये क्या है, पेड़ है बेटा, बाबा पेड़ क्या होता है, आम का पेड़ है, आम खाया जाता है, तो तमाम क्वेश्चन करता रहता है, ठीक है। वैसे देखिए, टॉयलेट प्रशिक्षण की उम्र, तो उसको इन सब के बारे में उतनी जानकारी नहीं होती है, तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, माँ बाबा पापा सब ट्रेनिंग देते हैं कि बच्चे देखो ये चीज़ ऐसे है, ये गंदा चीज़ है, ठीक है। तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो समायोजन की अवस्था, खिलौनों की उम्र, सीखने का आदर्श काल या सीखने का अनोखा काल, टॉयलेट प्रशिक्षण की उम्र, शैशवावस्था को कहते हैं। कुछ वैज्ञानिक तथ्य देखिए, बच्चे जब पैदा होते हैं तो हड्डी की संख्या 270 होती है, कितनी होती है, 270। उसके बाद जाते जाते बाल्यावस्था में 300 हो जाती है, फिर शैशवावस्था में 206 हो जाती है, इसको आप लोग ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 270। हृदय की धड़कन जो होती है अनियमित होती है, यानी जो 72 बार वयस्क होने पर धड़कता है वो उस समय 140 से 150 बार धड़कता है। मस्तिष्क का वजन केवल और केवल 350 ग्राम होता है, कितना होता है, 350 ग्राम होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं शिशु का वजन, तो शिशु का वजन जो पैदा होता है 3 से 3.5 किलोग्राम होता है। अगर 3 से 3.5 किलोग्राम से ज़्यादा भी है तब भी बच्चा हो सकता है कि कुछ उस मतलब दिक्कत हो सकती है। 3 से 3.5 किलोग्राम का होना चाहिए बच्चा जब पैदा होता है, तब सामान्य रहेगा तब, ठीक है, न इससे कम न इससे ज़्यादा। या अगर पाउंड में बात करें तो 6 से 8 पाउंड, ठीक है। यहाँ पे किलोग्राम को 3 3 याद कर सकते हैं, तो 3 और 3.5, ठीक है। 1 वर्ष के उम्र तक, मतलब जब बच्चा 1 वर्ष का होता है तो दूध के सभी दांत यानी 200 दांत आ जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं लेकिन निकलना क्या होते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं, मसगुर में से निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। अब इसका कहने का मतलब नहीं है पूरा निकल जाए, तो 1 वर्ष के उम्र तक दूध के सभी 20 दांत आ जाते हैं। ये बात हो रही है शैशवावस्था की। अब देखिए शैशवावस्था की विशेषताएँ, तो पहला विशेषता है शारीरिक विकास जो होता है, देखिए सा से शैशवावस्था और सा से शारीरिक विकास सबसे तेज होता है शैशवावस्था में, इतना अपने दिमाग में रखिएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका मस्तिष्क कितना होता है, 350 ग्राम का होता है, ठीक है। और शैशवावस्था के अंत में यानी लगभग 6 वर्ष का जब बच्चा होता है
तो उसका मस्तिष्क जो है 1250 ग्राम का हो जाता है। अब सोच लीजिए 1350 ग्राम का मस्तिष्क होवे करता है, 1350 ग्राम का मस्तिष्क जो है पूरे ज़िंदगी भर रहता है, तो 1250 ग्राम तक का तो भैया 6 वर्ष के पहले ही हो गया। तो देखिए शारीरिक विकास ही तो है, शारीरिक विकास कितना तेज़ हुआ आप सोच भी नहीं सकते। तो शारीरिक विकास सबसे तेज़ शैशवावस्था में होता है, लगभग 60-70-80% जो है मस्तिष्क का जो विकास होना चाहिए वो शैशवावस्था के अंत तक हो जाता है। दूसरा है जिज्ञासा की प्रकृति। तो हमने बताया कि ये बच्चा जो होता है वैज्ञानिक होता है, वैज्ञानिक। अभी हमने पूछा कि बाबा के पास चाहे पापा के पास चाहे मम्मी के पास, ज़्यादातर बाबा के पास लड़के बैठ के बहुत प्रश्न पूछे हैं। आम का पेड़ है, बाबा बताएंगे बेटा ये आम का पेड़ है, फिर क्या बेटा ये आम खाया जाता है, क्यों, मतलब जो उनके मन में क्वेश्चन आएगा पूछते रहेंगे। कोई मर गया है तो क्यों बीमार था, क्यों मर गया है, अब उठेगा नहीं, जिंदा नहीं होगा, बोलेगा नहीं, क्या है क्या नहीं, बहुत ज़्यादा पूछता है। तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति जो होती है, मतलब प्रश्न वश्न पूछने की प्रवृत्ति जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद देखिए कल्पना की सजीवता। जैसे मान लीजिए आप अपने बच्चे को एक खिलौना दे दिए हाथी वाला, ठीक है, फिर वो हाथी को तोड़ ताड़ के घर में आएगा और मम्मी से कहेगा मम्मी मैंने हाथी को मार डाला, यानी कल्पना की सजीवता देखिए उसकी, खिलौने को तोड़ ताड़ के कह रहा है मम्मी मैंने हाथी को मार डाला, नल को तोड़ ताड़ के कह रहा है कि मम्मी मैंने नल को तोड़ डाला, नल को उखाड़ डाला, जबकि वो क्या है खिलौना है। तो जब छोटा बच्चा 0 से 6 ईयर का होता है, कोई आपके घर और के बगल के या दीदी उदी या मम्मी उम्मी का लड़का होगा उसके बारे में सोचते रहिए और तब पढ़िए, तब देखिए कितना मज़ा आएगा, कल्पना की सजीवता बहुत ज़्यादा उनके अंदर होती है, ठीक है। अब देखिए शैशवावस्था में बच्चा कल्पना की दुनिया में खोया रहता है और झूठ बोलता है। अब जैसे मैंने हाथी को मार डाला झूठ ही तो है, लेकिन गड़बड़ वाला झूठ नहीं है, झूठ बोलता है तथा कहानी गढ़ता है। उदाहरण मैंने शेर को मार कर भगा दिया, ये क्या है कल्पना का ही। तो ये तीनों पॉइंट तो आपके दिमाग में हरदम रहना चाहिए कि शारीरिक विकास शैशवावस्था में सबसे तेज, जिज्ञासा की प्रवृत्ति यानी बाबा बाबा के पास बैठने वाला काम जो है शैशवावस्था में ही होता है, और कल्पना की सजीवता यानी मैंने हाथी उथी को मार डाला शैशवावस्था में ही होता है, पर निर्भरता। अब बताइए बच्चा 0 से 6 ईयर का है, कक्षा 1 में पढ़ने वो जा रहा है, क्या अपने आप पर निर्भर रहेगा, कभी नहीं। बच्चा दूसरों पर निर्भर रहता है, किस पे, मम्मी पापा भैया बहनी दीदी सब पे निर्भर रहता है, सबसे ज़्यादा बाबा के साथ खेलता है बच्चा, अगर जिसके बाबा बहुत अच्छे रहते हैं उसके साथ। बच्चा अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर होता है कब, शैशवावस्था, दिमाग में हमेशा रखिए। समलिंगी इच्छा, तो इलेक्ट्रा ग्रंथि और ओडिपस ग्रंथि, देखिए इलेक्ट्रा ग्रंथि में, इलेक्ट्रा ग्रंथि किसको होता है, इलेक्ट्रा ग्रंथि जो होता है बच्ची को होता है, और ओडिपस ग्रंथि जो होता है बच्चा को होता है, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक। अब देखिए बच्ची को जो है इलेक्ट्रा मतलब पापा से नफरत, और बच्चा को जो है मम्मी से नफरत, किसके कारण, एक दूसरे के कारण। तो ये चीज़ हमने बकायदे आपको वीडियो में पढ़ा दिया है जो सिद्धांत वाले हैं, इसलिए बार बार एक ही चीज़ को हम समझा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो समलिंगी इच्छा जो होती है वो आप जान जाइए कि शैशवावस्था में समलिंगी इच्छा जो इलेक्ट्रा ग्रंथि और ओडिपस ग्रंथि वाला है, ठीक है, ये भी शैशवावस्था में होता है। उसके बाद देखिए नैतिकता का भाई अभाव रहता है, नैतिकता मतलब होता है बुरा भला के ज्ञान, सही गलत का ज्ञान। तो नैतिकता का अब बताइए 0 से 6 हो तो वातावरण में समायोजन की अवस्था हमने बताया है, अभी इसे कहते हैं वातावरण में समायोजन करने की सिस्टम अभी सीख रहा है बेचारा, अभी नैतिकता कहाँ जानेगा, वो सही गलत नहीं जान रहा है अभी। अगर देखिए बच्चा खुद को स्वार्थ पर जोर देता है, अभी सारी की सारी स्क्रीन मुझे चाहिए, ठीक है, इस टाइप से, तो स्वार्थ वाला होता है, उसको नैतिकता का बिल्कुल ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। अनुकरण मतलब ये होता है कि बच्चे शुरुआती अधिगम अनुकरण पर आधारित होता है, जैसे पेस्ट खाना, जैसे मंजन उंजन है पेस्ट खाने लगते हैं, पेस्ट खाना
हाथ धुलाना, तो हाथ हो जैसे मम्मी है खाना खाने से पहले हाथ धुलाने धुलाती हैं, तो बार बार बच्चा क्या करेगा, उनका अनुकरण करेगा। जब दोबारा खाना खाने जाएगा तो कहेगा हाँ मम्मी मैं जा रहा हूँ हाथ धोकर आऊँगा तब खाऊँगा, ठीक है। तो अनुकरण का मतलब यह है, ये अगर बाबा जो हैं जाके खेत में पानी डाल रहे हैं तो बच्चा भी उनका अनुकरण करेगा और सोचेगा कि वो भी पानी खेत में डाले। तो अनुकरण बहुत तेज करते हैं 0 से 6 वर्ष के बच्चे, ठीक है। अब देखिए परावर्तित व्यवहार, बच्चा एक ही क्रिया को बार बार दोहराता है, बच्चा एक ही क्रिया को क्या करता है बार बार दोहराता है। जैसे अंगूठा चूस रहा है तो सोचेगा क्या इससे मैं दूध चूस रहा हूँ, ठीक है। खाना खाना सीखेगा, कीड़ा भी खा जाता है, परावर्तित व्यवहार का मतलब कीड़ा खा जाएगा बच्चा, उसको आप मना करेंगे दोबारा जाके फिर कीड़ा खा जाएगा, यानी कुछ भी खा सकता है। जैसे मिट्टी खाना, परावर्तित व्यवहार का सबसे अच्छा एग्जाम्पल देख लीजिए मिट्टी खाना, बच्चा मिट्टी खाता है, मम्मी पापा चाहे जितना मारते हैं बच्चा फिर मिट्टी खाता है, परावर्तित व्यवहार करता ही है। तो 0 से 6 वर्ष का बच्चा जो है परावर्तित व्यवहार बहुत ही ज़्यादा करता है। अगला देखिए काम भावना, तो लिबिडो, इसे फ्रायड ने लिबिडो कहा था काम भावना को, ठीक है। तो काम भावना मतलब स्तनपान और अंगूठा चूसना, ठीक है। काम भावना में क्या क्या आएगा, स्तनपान मतलब दूध पीना, ठीक है, और अंगूठा चूसना, ये भी जो है शैशव अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है, लत छुड़ाने के लिए माँ बाप का हालत ख़राब हो जाता है। उसके बाद देखिए शैशव अवस्था में शिक्षा किस प्रकार से, अब देखिए बच्चा 0 से 6 वर्ष का है तो 0 से 6 वर्ष का बच्चा जो है उसको कैसा शिक्षा देना चाहिए, उसको खेल पर आधारित या किंडरगार्टन प्रणाली के आधार पर शिक्षा दिया जाना चाहिए, ठीक है, कि खेल खेल में उसको सिखा दिया जाए। उसके बाद इंद्रिय आधारित प्रणाली, रंग प्रशिक्षण, मतलब उसको रंग दिखाया जाए, कहा जाए देखो बेटा ये लाल रंग का है। अब रंग से आपको एक एग्जांपल हम अच्छा दे देते हैं, जैसे मान लीजिए गुलाब की खुद आप लिखा रहे हैं गुलाब के बारे में, तो आप कहेंगे गुलाब का रंग लाल होता है और इसमें अच्छी खुशबू या सुगंध आती है। तो यार अगर आपको इंद्रिय आधारित प्रणाली सिखाना है तो आप गुलाब का फूल लेकर आइए और बच्चों को दिखा दीजिए, देखिए ये गुलाब का फूल है बच्चों, तो बच्चा जान जाएगा, और बता दीजिए कि ये लाल रंग का है, देखो ये इसी को लाल रंग कहते हैं, और पास में ले जाकर उनको सुंघा देंगे आप तो महकेगा, तो वो कहेंगे हाँ इससे खुशबू भी निकलता है। तो उनको याद करने की कभी ज़रूरत पड़ेगी, कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इंद्रिय आधारित प्रणाली मतलब रंग प्रशिक्षण यानी रंग ट्रेनिंग, और ध्रांड्रेड़ी प्रयोग का प्रयोग यानी सूंघने वाला काम, ठीक, सूंघने का मतलब जैसे गुलाब सूंघना, ठीक। घ्रांड्रेड़ी, ठीक है। उसके बाद देखिए दृश्य श्रव्य विधि, जैसे आजकल आप देखे होंगे टेलीविजन यानी प्रोजेक्ट लगता है, प्रोजेक्टर, तो प्रोजेक्टर में देखिए दृश्य मतलब चित्र भी आता है और श्रव्य मतलब बोलता भी रहता है। जैसे का लिख देगा, का से कबूतर आके यहाँ बैठ जाएगा और बोलेगा क से कबूतर, ठीक, तो आप पढ़ भी लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका देखिए शैशव अवस्था जो होता है समाप्त होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण कथन देखिए, थार्नडाइक साहब ने कहा था कि 3 to 6 वर्ष के बच्चे अर्ध सपनों में खोए रहते हैं। तो अर्ध सपनों में कौन खोया रहता है, बच्चे, तो इनका ट्रिक देखिए क्या है, थार्नडाइक पे उड़नतुआ रहा है तो अर्ध सपनों पे भी क्या है उड़नतुआ रहा है। तो थार्नडाइक के अनुसार 3 से 6 वर्ष के बच्चे अर्ध सपनों में खोए रहते हैं। अब देखिए फ्रायड ने कहा है कि बच्चे को जो कुछ भी सीखना होता है या कुछ भी जो कुछ भी बनना होता है वो जन्म से 4-5 वर्षों में बन जाता है। यहाँ पे कभी कभी 3-4-4-5 कुछ भी दे सकता है। तो ये फ्रायड ने कहा है, इसको आपको याद रखना है कि बच्चे को जो कुछ भी बनना है वो जन्म के 4-5 वर्षों में बन जाता है। किसने कहा है, फ्रायड ने कहा है। उसके बाद देखिए वैलेंटाइन ने कहा है कि शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल है। अब देखिए एग्जाम्पल मतलब ट्रिक देखिए, वैलेंटाइन डे 14 फरवरी होता है ना, तो देखिए वैलेंटाइन डे 14 फरवरी एक अनोखा दिन होता है,
होता है कि नहीं? होता तो मम्मी पापा के प्यार के लिए है, लेकिन करते सब लोग हैं। तो अनोखा दिन हुआ कि नहीं? तो अनोखा दिन तो वैलेंटाइन डे जो है, वैलेंटाइन जो है अनोखा काल, शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा। अब देखिए लेडी हरलाक ने कहा है कि शैशवावस्था केवल और केवल 2 सप्ताह चलती है। कितने दिन चलती है? 2 सप्ताह चलती है। अब देखिए एक और चीज़, जैसे 0 से 6 वर्ष जो होता है क्या होता है? शैशवावस्था होता है, होता है कि नहीं? 0 से 6 वर्ष शैशवावस्था होता है। अब 0 से 2 सप्ताह का मतलब है 0 से 14 दिन तक क्या हो गया? शैशवावस्था हो गया। उसके बाद वाला समय जो आएगा पूर्व बाल्यावस्था, और यहाँ पे मान लीजिए 0 से 14 दिन ये हो गया और 2 सप्ताह से आगे का पूर्व बाल्यावस्था में आ जाएगा, अगर हर लाख के हिसाब से देखा जाएगा तो। यहाँ 0 से 14 वर्ष को छोड़ दीजिए, तो उसके बाद जो पूर्व बाल्यावस्था वाला आएगा वही खिलौनों की उम्र कहलाएगा। अगर पूछेगा कि हर लाख के अनुसार खिलौनों की उम्र है, तो आप बताएंगे क्या? पूर्व बाल्यावस्था। अब देखिए एडलर आ गए। एडलर ने कहा कि शैशवावस्था में पूरे जीवन के विकास का क्रम निहित होता है, यानी पूरे जीवन के विकास का क्रम शैशवावस्था में। अब एडलर का मतलब ये है कि जैसे 350 ग्राम से डायरेक्ट 1250 ग्राम पे आ गया था कि नहीं, तो यही कह रहे हैं कि एडलर शैशवावस्था में पूरे जीवन के विकास का क्रम निहित होता है। उसके बाद चलिए देख लेते हैं बाल्यावस्था, ठीक है? थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग जा रहा है। देखिए बाल्यावस्था का कुछ नाम, जैसे बालक जो है 0 से 6 वर्ष का था, अब 6 से हो गया लगभग 12 साल का, ठीक? 6 से 12 साल का लड़का 12 माइनस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7, यही ना? कक्षा 1 से लेकर 7 तक का पढ़ने वाला लड़का कैसा होता है? कक्षा 1 से 5 तक दिमाग में रखिए, कक्षा 1 से 5 तक पढ़ने वाला लड़का गंदी उम्र कहलाता है, गंदी उम्र कहलाता है कि नहीं? 6 से 12 साल का बच्चा जो होता है, जो कक्षा 1 से 6 तक में पढ़ता है, गंदी उम्र, टोली की उम्र, गैंग बना के चलता है बाज़ार में। जैसे जब स्कूल जाएगा तो गैंग बना के 3-4 लोग जब तक नहीं जाते हैं तब तक जाबे नहीं करते हैं स्कूलों में, ठीक है? और गंदी उम्र का मतलब कपड़ा वपड़ा डेली गंदा किया रहेगा, एकदम गैंग बदमाशों की तरह चलेगा एकदम। और प्रारंभिक विद्यालय की आई, सीधी सी बात है, हमने बताया अभी कि 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था होगा, तो 6 में पढ़ने वाला बच्चा कक्षा 1 में पढ़ेगा, तो प्रारंभिक विद्यालय की आई कौन हुई? बाल्यावस्था। और चुस्ती एवं फुर्ती की आयु, देखिए बाल्यावस्था जो होता है 6 से 12 साल का उम्र जो होता है, इसमें लड़का सबसे ज़्यादा सुस्ती और चुस्ती और फुर्ती होती है, इस समय लड़के के पास सबसे ज़्यादा ताकत होता है। उसके बाद तो किशोरावस्था में आते ही कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, ठीक है? तो आपको जान लेना है कि गंदी उम्र टोली की उम्र, प्रारंभिक विद्यालय की आयु, और चुस्ती एवं फुर्ती की आयु बाल्यावस्था है। उसके बाद हमने बताया था कि 270 हड्डी से इसमें आ गया कितना? 350 हड्डी आ गया। कितना आया? 350, 270 से 350 आ गया, ठीक है? बाल्यावस्था में 350, और धड़कन उसमें कितना थी? उसमें 140 धड़कन थी, तो इसमें कितनी आ गई? मान के चलिए 100 आ गई। उसमें 140 थी, 140 से 150, इसमें कितनी आ गई? 100 आ गई, ठीक? मस्तिष्क का वजन उसमें कितना था? 350 ग्राम। तो 350 ग्राम से देखिए 1300 और 1350 ग्राम, 1350 ग्राम हो गई इसमें, ठीक? 1350 ग्राम तक यहाँ तक आ गई। अस्थाई दांत जो है टोटल 32 होते हैं, तो 27 से 28 दांत जो है बाल्यावस्था में निकल चुके होते हैं। अब देखिए बाल्यावस्था की विशेषताएँ, उसमें देखिए सा से शैशवावस्था और सा से शारीरिक विकास सबसे तेज होता था। अब इसमें देखिए आ जाएगा बाल्यावस्था में मानसिक विकास सबसे तेज होता है और जिज्ञासा की प्रकृति भी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है? तो देखिए जिज्ञासा की प्रवृत्ति जो होती है,
जिज्ञासा की प्रवृत्ति शैशवावस्था में भी काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है जिज्ञासा किसमें होगी, जिसमें आपका दिमाग चलेगा, मानसिक रूप से जिसमें आप तेज रहेंगे उसी में जिज्ञासा ज़्यादा कर पाएंगे। ठीक है, तो मानसिक विकास सबसे तेज, जिज्ञासा सबसे तेज, और शारीरिक विकास जो होता है, शारीरिक विकास को दो भागों में बाल्यावस्था में बांट दिया गया है। ठीक है, शारीरिक विकास सबसे तेज होता था शैशवावस्था में, इसमें शारीरिक विकास को दो भागों में बांट गया दिया गया है। पहले को कहा गया है कि संचयी विकास और दूसरे को कहा गया है परिपाक या परिपक्वता काल। ठीक, परिपाक या परिपक्वता काल। तो देखिए, बच्चा इसमें 6 से 12 साल तक जा रहा है बाल्यावस्था में, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है। तो इसमें दो पार्ट करिए, एक को करिए 6-3-9, एक को करिए 9-3-12, कर दिए। तो संचयी विकास जो होगा 6 से 9 वाला होगा, और 9 से 12 वाला क्या होगा, परिपाक या परिपक्वता काल। अब आपको कभी भूलना नहीं चाहिए कि 6 से 12 वर्ष का बच्चा जो होता है बाल्यावस्था का होता है, तो इसको दो भागों में 3-3 साल में डिवाइड करेंगे, 6 से 9 और 9 से 12। तो 6 से 9 वाला संचयी विकास वाला होता है और 9 से 12 वाला परिपक्वता काल होता है। तो आपसे बहुत बार पूछा है कि परिपक्वता काल होता है तो आपको क्या बताना है, 9 से 12 वर्ष। ठीक, उसके बाद देखिए मित्र का चयन, बालक पहली बार अपने मित्र का चयन जो है अपने कक्षा से ही करेगा, क्योंकि वो अकेले तो कहीं घूमने उमने जा नहीं पाएगा। तो कक्षा से पहली बार अपने मित्र बनाता है और किसी की बात नहीं मानता। बाल्यावस्था में पहली बार एक बच्चा अपनी पसंद का मित्र चुनता है, ज़्यादातर उसका यह मित्र जो होता है उसकी कक्षा से ही होता है। ज़्यादा समझाएंगे नहीं, क्योंकि वीडियो जो है 25 मिनट में हमको कवर करना है। उसके बाद देखिए मित्र वाला क्या है, बाल्यावस्था। उसके बाद संग्रह प्रवृत्ति, जैसे आपको हम बता दें कि जब 6 से 12 साल का बच्चा होता है तो आप देखे होंगे जब दीपावली उपावली रहता है तो उसमें जुगनू उड़ते हैं, जुगनू उड़ते हैं, तो एक जो है बोतल लेके लड़के उसी में जुगनू को डालते हैं, कहते हैं देखो मैं इतना जुगनू जो है इकट्ठा किया हूँ। तो संग्रह कौन करता है, 6 से 12 साल का बच्चा। और जो छोटा वाला शैशवावस्था वाला होता है उनके पीछे पीछे क्या करता है, घूमता रहता है, उसको मज़ा आता है देखने में। तो देखिए बच्चे पुराने स्टैम्प्स, जो स्टैम्प्स होते हैं घर में रखे होते हैं जो कागज़ पत्तर, और पत्रिकाओं से फोटोग्राफ, जो पत्रिका होता है उससे फोटोग्राफ काटते हैं, और गांव में तो जो सलाई होता है सलाई वाले को निकाल के सब ताश बना देते हैं। ठीक है, और कांच की गोलियां वोलियाँ बहुत संग्रह करते हैं 6 से 12 साल का बच्चा। ठीक है, और बच्चियां क्या करती हैं, कपड़ों के कतरन और गुड्डे गुड़िया का खेल इन लोगों को बहुत पसंद होता है। और देखिए रचनात्मक, रचनात्मक मतलब ये है कि जो 6 से 12 साल का बच्चा होता है, आपने देखा होगा बाल्यावस्था में बालक जो है स्कूल में जाके कागज़ की आकृति बनाता है, कागज़ की जहाज बनाता है, बनाता है नहीं। तो रचनात्मक भी जो है बाल्यावस्था यानी 6 से 12 साल वाले बच्चे की विशेषता है, कागज़ की आकृतियाँ बनाना, कागज़ का नाव बनाता है, कागज़ की जहाज बनाता है, बागवानी करता है, और बच्चियाँ जो हैं कताई बुनाई सिलाई की कोशिश करती हैं, कर थोड़ी नहीं पाएंगी 6 से 12 साल में, लेकिन कोशिश करती हैं। उसके बाद देखिए काम भावना, अभी हमने बताया काम भावना जो होता है 6 से 12 साल वाले बच्चों को घूमने के लिए कह देंगे तो इतना घूमेंगे वो लोग कि कभी थकेंगे ही नहीं, लेकिन काम करने के लिए कह देंगे तो प्रसुप्त या शांत यानी काम थोड़ा भी नहीं कर पाएंगे। आत्मनिर्भरता, अब 6 से 12 साल का बच्चा मतलब कक्षा 7 तक का बच्चा जो है अब धीरे धीरे आत्मनिर्भर होने लगेगा, ब्रश अपने आप से कर लेगा, किताबें बैग में अपने आप से रख लेगा, बच्चा ज़्यादातर काम खुद से करने लगेगा। और बाल्यावस्था में देखिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए, अब देखिए बच्चा जो है 6 से 12 साल का बच्चा हो गया, समायोजन वोजन बना लिए 0 से 6 साल में, भाई कुछ भी सीखा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। अब देखिए पूर्व ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, पूर्व ज्ञान। जैसे मान लीजिए बच्चे को पढ़ाना है कि गंदी नाली या मतलब जैसे आपको जल प्रदूषण पढ़ाना है, तो जल प्रदूषण में आप ये मत कहिए कि गंगा जी बहुत गंदी हो गई हैं, यमुना जी बहुत गंदी हो,
अपने घर के बगल का नाली तालाब दिखाइए, ताकि बच्चा बचपन से जिसको देखा उसको देख कर, यानी पूर्व ज्ञान को लेकर ही तो बच्चा आगे बढ़ पाएगा। अगर बैलगाड़ी देखा है और आप डायरेक्ट हवाई जहाज़ के बारे में बताने लगते हैं, मोटरसाइकिल के बारे में बताने लगते हैं, तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। इसलिए पूर्व ज्ञान का प्रयोग बाल्यावस्था में करना चाहिए। उसके बाद दृश्य श्रव्य विधि का प्रयोग तो कोई भी अवस्था रहे सब में कर सकते हैं, ठीक है। और संकेत विधि का प्रयोग करना चाहिए। संकेत विधि का मतलब समझते हैं, जैसे पावलाव वाले में है ना, जैसे का के लिए कबूतर आगे आना चाहिए। टीवी में आप प्रोजेक्टर में लगाइए, का आए, का के पास कबूतर आए, तो संकेत वाली विधि। कक्षा 6 से 12 साल का बच्चा, यार कक्षा 1, 2, 3 से लेकर लगभग 7 तक का बच्चा, तो 1, 2 वाला बच्चा कैसे सीखेगा? जब संकेत उसको देंगे तभी तो सीखेगा। तो संकेत विधि का प्रयोग, और खेल विधि का भी प्रयोग इसमें भी है, खेल विधि का उसमें भी है, दृश्य श्रव्य उसमें भी है, इसमें भी है। तो आपको क्या क्या ज़्यादा इसमें है? इसमें पूर्व ज्ञान वाला एक है, एक संकेत विधि है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद किशोरावस्था अगले पार्ट में रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।